भागे चकमा देखे। हेलो, गुड इवनिंग, कैसी है मेरी प्यारी फैमिली? गुड इवनिंग। अब ये मेरी खाने के बाद सब काम शुरू है। गैस साफ करूँगी, किचन साफ करूँगी, थोड़े बर्तन साफ करूँगी। तो ये मैं अपना रूटीन शेयर कर रही हूँ खाने के बाद का। ये 31 दिसंबर मैंने मॉर्निंग 30 और 31 का मैं डाल चुकी हूँ, और फिर ये इवनिंग से स्टार्ट कर दिया, जहाँ पे इन करा था वहाँ से स्टार्ट करा है। और ये मेरा चलेगा 1 जनवरी 2023। तो ये मेरा लास्ट हुआ 31 का, 2022 का वर्क, और मैं इसके बाद सीधे न्यू ईयर में मिलूँगी। तो साफ कर लेते हैं तो सुबह में आराम होगा, एकदम फ्रेश फ्रेश सब मिलेगा। हालांकि मैं ठंडक से बचती हूँ, लेकिन आज जोश था भरपूर, मैंने खास फिनिश कर डालती हूँ। जब जल्दी हो जाता है तब सारे काम हो जाते हैं फटाफट, अगर ये देर में हो जाए 10 बज जाए फिर निपटाते निपटाते 11 हो जाएंगे, तब तो हिम्मत ही नहीं पड़ेगी। जल्दी हो जाता है तो फिक्र डल कि अगले दिन वही फ़ायदे होते हैं काफ़ी, तो कर भी डालती हूँ। लेकिन जब बहुत ठंडक होती है तो, क्योंकि नल थोड़ा ऊंचाई पे है मेरा और वो पूरा भिगो देता है, तो ये भी अच्छा नहीं है। और जब नहाने चलती हूँ उससे पहले धो लेती हूँ, तो मैं सब रगड़ रगड़ के साफ कर रही हूँ, साफ हो जाएगा, शीशे से चमकने लगी मेरी गैस। ये सारा मैं पोछ गई हूँ, सारा कुछ नीचे भी वाइप कर लिया था, बस वॉश करना बाकी रह गया था। किचन तो मेरा साफ ही हो जाता है, बर्तन एक आध प्लेट, मात्र 3 प्लेट और 3 कटोरियाँ, 6 कटोरियाँ ग्लास बस इतने ही होते हैं, तो सुबह मैं धो लेती हूँ और धोती रहती हूँ बराबर, फिर रात में ज़्यादा नहीं। अभी ठंडक भर ऐसा होगा 15-20 दिन एक महीना कर लूँ। न्यूज़ में तो बता ही रहे थे कि ठंडक होगी जनवरी फरवरी मार्च तक रहेगी ठंडक, तो अभी ठंडक तो रहेगी, लेकिन जब तक ज़्यादा चल रहा है कि पानी एकदम बर्फ की तरह मुंह में खुला जब करनी चलिए सुबह में ब्रश, तो बनता नहीं है, गुनगुना पानी लेना पड़ता है। बुआ को देखती थी, बुआ लेती थी, तो मैं सोचूं कि नहीं बनता होगा, अब इस बार तो मुझे भी नहीं बन रहा है। ये मैं कपड़े भी धो के, मेरा गैस साफ हो गई, स्लोप साफ हो गए, प्लेटफॉर्म, अभी बेसिन साफ कर दूंगी। यहाँ पे बर्तन तो नहीं धोती हूँ, बस मात्र सब्जी हैं दाल चावल ये धुल लेती हूँ, इसको साफ सुथरा पड़ा रहने देती हूँ, चमकता हुआ। बाटल भर लेती हूँ पानी, तो ये साफ पड़ा रहता है मेरा, लेकिन सुबह शाम इसको वॉश कर देती हूँ। रात में करा है सुबह नहीं, लेकिन हाँ दोपहर तक करना पड़ जाता है एक बार, फिर रात में यहाँ से जाऊँगी तो थोड़े बर्तन भी धो डालूँगी। बस गुड गर्ल हो गई, हो गया काम संपन्न, थोड़े बर्तन धो डाले, चलते हैं। और अभी ये लोग पढ़ेंगे, ये भी पढ़ रहे हैं, उसमें उधर वो भी पढ़ रहे हैं, मैं अपने काम फिनिश करके फिर मैं भी मोबाइल में थोड़ा सा करूँगी, फिर सो जाऊँगी। ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है, 9 बज रहा है, तो 10-11 पे सो जाऊंगी, फिनिश हो गया सब यहाँ भी। बस फिर सुबह में क्या होता है, उठती हूँ तो उठते ही अपना ब्रश व्रश किया, दवाई खाई, फिर झाड़ू लगा दिया, फिर आके बैठती हूँ, सब्जी उब्जी बनाती हूँ, झाड़ू पीती जाती हूँ, ब्रश हो जाए,
फिर नहाने धोने का वो काम होता है, मैं नाश्ता भी करा देती हूँ बच्चे को, फिर जाती हूँ। मेरा कोई ज़रूरी नहीं है, मैं थोड़ा सा देर में करती हूँ, फिर दोपहर में नहीं खा रही हूँ, फिर सीधे शाम को जल्दी खा लेती हूँ। तो ये चल रहा है मेरा रूटीन। ये सब मेरे रोज़ के हैं, ब्रश करना, कंघा करना, मॉइस्चराइज़र लगाना, सारा करके कन्हैया को सुलाना, फिर मैं भी सो जाती हूँ, थोड़ा सा मोबाइल इधर उधर करके सो जाती हूँ पुट्टे से, बहुत जल्दी नींद आ जाती है, अच्छी बात है। चलिए गुड नाइट, टेक केयर, बाय बाय, सी यू, गुड नाइट। देखिए पढ़ रहे हैं सब, गुड नाइट, गुड नाइट, गुड नाइट, गुड नाइट। सो फिर मिलते हैं मॉर्निंग में, कल फिर मिलते हैं 10:30। तो अब चलते हैं, टेक केयर, बाय बाय, सी यू, शब्बा खैर, गुड नाइट। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। आ गए भैया किचन में, कल मैंने सारा कुछ कर डाला था, गुड गर्ल बन गई थी। अब दूध गर्म कर लूँ और चाय पी जाए, बाहर के नज़ारे अभी बाद में दिखाऊँ। हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते, गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप लोग? बहुत अच्छे होंगे, और बाहर बहुत सारी धुंध है। चाय पीते हैं, चाय पीते हैं भाई, चाय पीते हैं। नमस्ते, सलाम, प्रणाम, राम राम, कैसे हैं आप लोग? और मैं से बात कर रही हूँ, न्यू ईयर की बधाई दे रही हूँ, बहुत बहुत शुभकामनाएँ, आशीर्वाद छोटों को, बड़ों को प्रणाम, और नया साल आपके जीवन में ढेरों खुशियाँ लाए और सब कामयाब हों। और आप सबको अंत में यही कहूँगी, ढेरों शुभकामनाएँ, खुशी से रहिए, मस्त रहिए, पुराने साल के जितने दुख तकलीफ हैं सबको भुला दीजिए, नए साल में कुछ नया करने की कोशिश कीजिए, आगे बढ़िए, सबको लेके चलिए, और ना चले कोई तो अकेले चलिए, लेकिन अच्छे विचार रखिए, अच्छी भावनाएं रखिए और अच्छा ज्ञान रखिए। टेक केयर, बाय बाय, सी यू। माँ कहाँ बैठी हो, कहाँ बैठी हो, चरणों में? मानस ये देखो चरणों में बैठी, सब्जी पलट दिए, चावल चढ़ा दिए हैं, और चले रोटी सेक के बच्चों को दे खिला, टमाटर चटनी निकालना है, पीस के रखी थी। हेलो, हो गई है संध्या, संध्या बेला, अब थोड़ा सा डट लिया जाए, डटे तो थे ही, और चाय इतनी हो जाती है सुबह में,
धुत्ती मेरे लिए बहुत ज्यादा है, तो खोलता हुआ दूध पीऊंगे, खोलता हुआ दूध पीऊंगे, कॉफी डाल के पीती हूँ, फिर थोड़ा सा टीवी देखती हूँ, फिर सोचती हूँ क्या बनेगा, नहीं तो आज कुछ देखते हैं। वैसे तो ये हमारा न्यू ईयर नहीं है, सनातन धर्म का नहीं है, ताजम नया खा के पैर छूने जाते हैं दूसरों के, सर पे बांध के बाली या कुछ लेके आते थे, फिर उसका बसंदर पड़ता था घी गुड़ से, फिर वही प्रसाद के रूप में सबके थाली में रखा जाता था, उड़द भात बढ़िया। मैंने सिर्फ अपने मायके में यह देखा है, बाकी हर जगह पे वही पूरी कचौड़ी पूरी कचौड़ी पूरी कचौड़ी, मेरे यहाँ सबसे बढ़िया होता था मायके में उड़द भात बढ़िया झूठा, वाह बारी पापड़ से भी खूब बड़े बड़े, और उनको फोल्ड कर घी लगा के और फोल्ड करके तिकोना रखा जाता था, फिर जब वो खाए जाते थे गरम गरम उरद खड़े वाले उरद के साथ, मज़ा ही और होता था। फिर एक दूसरे के सब घर मिलने आते थे, पैर छूने आते थे, ये हम लोग का न्यू ईयर है, ये मना लेते हैं, सबके साथ रहना चाहिए और क्या, सबके रंग में मिलना चाहिए, आखिर वो मनाते हैं उनका भी कुछ रीज़न होगा, तो उनको मेरे फेस्टिवल्स अच्छे लगते हैं, मुझे उनके भी अच्छे लगने चाहिए, क्योंकि हम सब एक हैं, पूर्वज सब एक हैं, वसुधैव कुटुंबकम। या मंथली सामान नहीं सकते अब, सब जल्दी जल्दी कर लें, बड़ी देर हो जाती सामान लेने चले जाओ। मैं गई थी मंथली सामान लेने, 6 पैर थे, सामान लिया मॉल से, फिर वापस गए तो सब्जी वगैरह ली, ज़्यादा सी ले ली घर के घर, कहीं सोचे इतनी ठंडक में रोज़ रोज़ कौन आएगा, तो बहुत सारी खरीद लाए, हरियाली और जैसे बथुआ खरीदा, पालक खरीदा, सेम खरीदी, बैंगन, मटर, गोभी, बंद गोभी, फूल गोभी और मिर्ची, मिर्ची तो मस्त है, मिर्ची के बगैर कुछ का चल नहीं, टमाटर सारी उठा लाए, कहा चलो बनाते हैं, उनको लेने नहीं आऊँगी, बीच में सारा सामान भी ले आई मंथली,
आते आते 8 बज गए, रखते रखाते 8:30 हो गए। किचन में पहुंची तो 9 बज चुके थे, फिर काफी लेट हो गया था। तो जल्दी जल्दी बनाने में जुटी हूँ तो दिमाग में आया कि मैं तहरी बना लूँ। पहले जो वेजीज डाल के सब्जी बनाई थी उसमें सिटी लगा दी, वो रस्सेदार निकाल दी बेटे के लिए, छोटे वाले वो तहरी खाता नहीं है। फिर उसके लिए रोटियाँ बना रही हूँ, उसको दे दूँगी सब्जी रोटी और मैं बना लूँगी मैं और बड़े बेटे के लिए तहरी। हम लोग जाने वाले थे बाहर, हमने कहा चलो खा के आते हैं, तैयारी नहीं हुए दोनों, शाम से मना रही थी। हमने कहा मैंने दाल भी मैंने नहीं बचाई, सब्जी भी नहीं बचाई, लेकिन नहीं गए दोनों, टस से मस नहीं हुए, यहीं ऑर्डर दे दूँ। नहीं, मैं कह रही थी मुझे जाना है तो गए नहीं। पिज्ज़ा खिलाने बोले यहीं ऑर्डर दे दूँ, हमने कहा नहीं, फिर बदल गया, फिर बोले अच्छा मिठाई से काम चल जाएगा, कहा चलो फिर मैं हल्का फुल्का खिलाऊँगी, तो बोले खा लेंगे, तो बस वही खिला रही हूँ। लेकिन ये लेट हो गया, लेट मुझे बहुत नुकसान करता है। तो नेक्स्ट डे तो मैं झेली गई थी, वो मैं अगले ब्लॉक में बताऊंगी। एक भी बीत गया, नाइट हो गई, गुड नाइट, टेक केयर, शब्बा खैर।